हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे स्टमक पार्ट वन। स्टमक पार्ट वन में हम बात करेंगे ग्रॉस फीचर ऑफ द स्टमक। सो स्टमक इज अ मस्कुलर बैग। इट इज मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। इट इज लोकेटेड इन द अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन। सो दिस इज द एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड द अम्बिलिकल रीजन। सो दिस इज द स्टमक। सो लोकेशन इज द लेफ्ट एंड अपर हाफ ऑफ द एब्डोमेन इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन एंड द अम्बिलिकल रीजन। The size of the stomach is variable from person to person. If the person is normal healthy person, the shape is like a J shape. But in the case of fat person, the shape is like a horizontal in shape. So this is the shape of the stomach is variable from person to person. But the average size in the adult stomach is 25 centimeter. That is the average size of the stomach is a 25 centimeter, and the capacity of the stomach is again variable. So capacity of the stomach at birth is 30 mm, that is about 1 ounce. At puberty, that is about 1000 mm. But in case of the adult, the capacity is about 1500 to 2000. So this is the capacity of the stomach is variable from age to age. Now the external feature of the stomach. So what are the external feature of the stomach? So first we write here, that is an external feature. So stomach having two ends, that is the cardiac end and the pyloric end. So stomach continue upward along with the esophagus and downward the duodenum. Okay. So this is known as the cardiac orifice and this is the pyloric orifice. So it is located between the esophagus and the duodenum, you can say. So having a two ends, two border, two surfaces and two parts. So this is the external feature of the stomach. So we are going to draw the diagram, that is the external feature of the stomach. So this is the external esophagus. This is known as a cardiac orifice. Cardiac This is the cardiac notch. Cardiac notch. This is the esophagus. This is the pyloric orifice. So one by one we are going to discuss two ends of the stomach. So this is the upper end known as a cardiac orifice or the cardiac end, which is continuous with the esophagus. There is no anatomical and sphincter is present on the cardiac orifice. There is only the physiological sphincter is present at cardiac orifice. Second is the pyloric orifice, which is continuous with the duodenum. That is a pyloric end or the lower end of the pyloric orifice,
जो कंटिन्यू करती है किससे, ड्यूडेनम से। पाइलोरिक ओरिफाइस में पाइलोरिक इंस्टिंक्टर प्रेजेंट होती है, दिस इज द मस्कुलर रीजन प्रेजेंट राउंड द पाइलोरिक कैनाल, सो दिस इज नोन एज अ पाइलोरिक ओरिफाइस। सो दिस आर टू एंड्स, टू बॉर्डर। सो स्टोमक इज अ लुक लाइक अ कंकेविटी एंड देयर इज अ कन्वेक्सिटी। ओके, सो दिस कंकेविटी एरिया इज नोन एज अ लेसर कर्वेचर। सो दिस इज नोन एज अ लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक एंड दिस इज नोन एज अ कन्वेक्स एरिया, नोन एज अ ग्रेटर कर्वेचर ऑफ लेसर कर्वेचर एंड द ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर इज अटैचमेंट ऑफ लेसर मोमेंटम, सो इट इज अटैचमेंट ऑफ लेसर मोमेंटम एंड द अटैचमेंट ऑफ ग्रेटर मोमेंटम। लेसर मोमेंटम एंड ग्रेटर मोमेंटम, सो ग्रेटर मोमेंटम इज अ फाइव टाइम्स मोर देन द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लेसर मोमेंटम। सो इन द लेसर मोमेंटम देयर इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट इज प्रेजेंट ऑन द लेसर मोमेंटम, दिस इज नोन एज द एंगुलर नॉच, एंगुलर नॉच और इंसिसुरा एंगुलारिस। सो दिस इज द मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। थर्ड इज द टू सर्फेस हैविंग एंटीरियर सर्फेस एंड द पोस्टीरियर सर्फेस। एंटीरियर सर्फेस इज द फॉरवर्ड एंड अपवर्ड एंड द पोस्टीरियर सर्फेस इज द बैकवर्ड एंड द डाउनवर्ड इन द लोकेशन। सो दैट इज द टू सर्फेस, एंटीरियर सर्फेस एंड द पोस्टीरियर सर्फेस। नाउ द टू पार्ट्स, मेनली द स्टोमक इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, सो वी कैन ड्रॉ वन वर्टिकल लाइन फ्रॉम द कार्डियक नोच टू द एंगुलर नोच। सो फ्रॉम द कार्डियक नोच वी ड्रॉ फ्रॉम एंगुलर नोच वी ड्रॉ लाइन फ्रॉम एंगुलर नोच टू द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। सो दिस इज नोन एज अ कार्डियक पार्ट ऑफ द स्टोमक एंड दिस इज नोन एज अ पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टोमक। फर्स्ट इज द टू पार्ट, दैट इज द कार्डियक पार्ट एंड दिस इज द पाइलोरिक पार्ट। सो कार्डियक पार्ट इज हर्ट द डिवाइडिंग द टू पार्ट, दैट इज द फंडस ऑफ द स्टोमक एंड बॉडी ऑफ द स्टोमक। फंडस ऑफ द स्टोमक द हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉन फ्रॉम द कार्डियक नोड, सो दिस इज द कार्डियक नोड टू द ग्रेटर कर्वेचर। सो इस एरिया इज नोन एज द फंडस ऑफ द स्टोमक, मोस्टली द गैसेस आर प्रेजेंट इन द फंडस ऑफ द स्टोमक। The area between the this pyloric part and the fundus part, this is known as the body of the stomach, the largest part of the stomach. So in the fundus and the body, there is a gastric glands are present. In the gastric is the mucus cells, peptic cells secrete the SCLs, the auxantic cells. There is a chief cells which secrete the digestive enzyme. So these are present in the body part. Now the pyloric part is about 7 cm in length, about 5 cm from the body. There is a inconsistent muscular ridges are present. So this is known as the sulcus intermedius, and this sulcus may divide the pyloric part two part, this is known as the pyloric antrum. Pyloric antrum and this is known as the pyloric canal. This is the pyloric canal. So this is the two parts of the stomach. Now the relation of the stomach. Okay. So what are the relation of the stomach? So stomach having two relations. That is the peritoneal relation and the visceral relation. So relation peritoneum visceral
टेरिटोरियल लेयर्स। फर्स्टली द एंटीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टोमक इज कवर्ड विद द पेरिटोनियम बिकॉज द स्टोमक इज द इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन। देन द पेरिटोनियम फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस फ्यूज अलोंग विद द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। सो दिस इज नोन एज द लेसर ओमेंटम। सो दिस इज नोन एज द लेसर ओमेंटम एंड द पेरिटोनियम ऑफ द इंटीरियर सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द स्टोमक फ्यूज अलोंग विद द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक नोन एज अ ग्रेटर ओमेंटम। सो दिस नोन एज अ ग्रेटर ओमेंटम। सो दिस ग्रेटर ओमेंटम इज अटैच्ड ओनली द लोअर टू थर्ड पार्ट ऑफ द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टोमक। सो अपर वन थर्ड पार्ट इज फादर टू पार्ट दैट इज अ लोअर वन थर्ड। सो दिस लोअर वन थर्ड पार्ट इज देयर इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फंडस ऑफ द स्टोमक टू द स्प्लीन। सो दिस नोन एज द गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट दैट इज द गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट एंड अबोव टू द गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट दिस फंडस पार्ट देयर इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फंडस टू द डायफ्राम नोन एज द गैस्ट्रो phrenic ligament. So this is the gastrophrenic ligament. So these are the reflection of the peritoneum from the stomach to the different organ. Okay. So this is the peritoneal relation of the stomach. Now the visceral relation of the stomach. Okay. So what are the visceral relation of the stomach? So stomach having a two surface, anterior surface and the posterior surface. The anterior surface of the stomach leads to the so these are the you can say this is the postal cartilage or postal margin that is the ribs postal cartilage and the ribs of the stomach. Secondly there is a liver so this is the anterior surface of the liver and muscles of the anterior abdominal wall. So this is the visceral relation of the anterior surface of the stomach. Now the visceral is on the posterior surface of the stomach. Okay. So what are the structure present on the posterior surface of the stomach? So these structure form the stomach bed. Okay. So you know at the fundus and the diaphragm there is a spleen that is a wedge shape location of the spleen. Okay, so this is the spleen. Here is a pancreas. So this is the body of pancreas and tail of pancreas. The body and tail of pancreas. So this is the spleen, pancreas. Left kidney. So this is the left kidney. On the upper pole of the left kidney there is a left supraadrenal gland. The left supraadrenal gland. Above the body of the upper part of the body of pancreas there is a celiac artery. So this is the more tortuous in nature that is a celiac artery. So this is the celiac trunk, sorry the splenic artery, no sorry not the celiac artery, the splenic artery. So this is the celiac trunk
So this is the splenic artery. Splenic artery is the more tertiary artery. And the lower part, there is a transverse mesocolon. So this is the transverse colon. This is the spleen, become a splenic layer of colon. So this is the transverse colon. So this is the posterior relation of the stomach, also forming the bed of the stomach. That is about the gross picture of the stomach. Thank you for watching.